नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संत गुरु रविदास जी के बारे में। संत गुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने सारे संसार को एकता और भाईचारा के सूत्र में बांधे हुए था। उनकी अनुपम महिमा को देखकर राजा रानियां उनकी शरण में आते थे। उन्होंने जीवन भर समाज से कुरूति और जाति पात का अंत करने के लिए काम किया था। संत गुरु रविदास जी का जन्म काशी में पूर्णिमा वाले दिन रविवार को 1433 में हुआ था। उनके पिता का नाम राहु और माता का नाम कर्मा था। वह शुरू से ही साधु संतों की संगति में रहकर पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वह जूते का काम करते थे, वह उनका व्यवसाय था। संत गुरु रविदास जी अपने काम को पूरी श्रद्धा परिश्रम से और लगन के साथ किया करते थे। अपने काम को समय से ही पूरा करने में वह बहुत ध्यान देते थे। उनकी करुणामयी आवाज को देखकर और ऐसे व्यवहार के कारण उनके संगति में रहने वाले लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। वह शुरू से ही करुणा वाले और परोपकारी दयालु थे। वह लोगों की सेवा करते थे और साधु संतों की सेवा करने में उन्हें विशेष आनंद आता था। वह जूते बनाकर लोगों को बिना पैसे लिए ही दे दिया करते थे। ऐसा व्यवहार देखकर उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे और एक दिन उनके माता पिता ने रविदास जी को और उनकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तब रविदास जी ने अपने पड़ोस में ही एक इमारत बनाई और वहीं पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। वह व्यवसाय करने के बाद विशेष समय ईश्वर भजन सत्संग में व्यतीत करते थे। रविदास जी के उपदेशों और आदर्शों को मानने वाले रविदास पंथी कहलाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।